हेलो फ्रेंड्स, मैं से अपनी जान आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए काफी रेलिवेंट है। जीएसटी में जीएसटी वेरिफिकेशन किया जा रहा है बिजनेस प्रीमाइसेस का। जहां पर भी आपका जीएसटी रजिस्टर्ड है उन सभी प्लेसेस का जो है वेरिफिकेशन होगा। कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं या कुछ ऐसे पॉइंट्स जो कि आपको ध्यान रखने हैं, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और इसमें आपको जो मैं पॉइंट्स यहाँ पर बता रहा हूँ उनका स्पेशली ध्यान रखना है, क्योंकि अगर इनमें से कोई भी पॉइंट्स आपका रह जाता है तो उसकी वजह से आपका जो जीएसटी है वो कैंसिल हो सकता है। उसके अलावा तीन पॉइंट्स ऐसे और भी हैं जो कि आपको कंसिक्वेंसी झेलने पड़ सकते हैं, आगे प्रॉब्लम हो सकती है। मैं डायरेक्ट आपको स्टार्ट करूंगा फर्स्ट से। स्पेशल पॉइंट्स हैं यहाँ पर, मैंने कुछ पॉइंट्स एक्स्ट्रा भी ऐड किए हैं क्योंकि जीएसटी के कंप्लायंस होना भी जरूरी है। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मेन चार चीजें हैं। सबसे पहले आप नोट कर लीजिए, मैं आपको ये बाद में रीड करके बताऊंगा, पहले आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले आपके जो है जहां पर भी आपका प्रीमाइसिस है वहां पर आपका एक फ्लेक्स बोर्ड होना जरूरी है, जिस पर साइन बोर्ड हो या किसी भी टाइप का बोर्ड हो सकता है, उस पर आपकी फर्म की नेम, एड्रेस और जीएसटी नंबर, तीन चीजें होना जरूरी है। सेकंड नंबर पे आपको सेल परचेज के बिल मेंटेन करने हैं, थर्ड नंबर पे केवाईसी और फोर्थ नंबर पे जो भी आपका एड्रेस है उसके रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल लाइक एड्रेस प्रूफ के लिए, अदर कोई भी रेंट एग्रीमेंट या एनओसी। अब यहाँ पर चलते हैं। सबसे पहले जो है टैक्स पेयर को जो है अपना जीएसटी नंबर जो है, जो भी बिजनेस प्रीमाइसिस है जहां से वो बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं। अब यहाँ पर वर्ड लिखा गया है बिजनेस प्रीमाइसिस, तो यहाँ पर आप अपनी दुकान से भी हो सकता है कर रहे हो, या घर से हो सकता हो, या फिर आपने कोई ऑफिस स्पेस टाइप की कोई चीज ले रखी हो तो वहां पर भी आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि जीएसटी वेरिफिकेशन के लिए कोई ऑफिसर आए। जैसे क्या होता है कि जो वर्किंग स्पेस होते हैं, को वर्किंग स्पेस, तो उसमें क्या होता है कि एक एड्रेस आप यूज करने के लिए ले लेते हैं, तो वहां पर भी आपको ये चीजें पेस्ट करनी है, अपना जो जीएसटी नंबर है वहां पर डिस्प्ले करना है, ठीक है। सेकंड नंबर पे आता है कि रेंट एग्रीमेंट। रेंट एग्रीमेंट इलेक्ट्रिसिटी बिल के साथ होना जरूरी है, यूटिलिटी बिल तो होना ही जरूरी है, बट एक चीज ध्यान रख लीजिएगा, कुछ केस में ऐसा है कि जो इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है वो तो हर महीने रिन्यू हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट जो रेंट एग्रीमेंट है वो स्टार्टिंग में से अपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पर एक बार रेंट एग्रीमेंट बनवाया, कुछ केस में जो है 3 साल का बनता है, कुछ केस में जो है वो 11 महीने का बनता है, तो ध्यान रखिएगा वो एक्सपायर ना हो, मतलब वो रेंट एग्रीमेंट वैलिड होना चाहिए और उसका रिन्यूअल होना जरूरी है, करंट में वो एक्टिव होना चाहिए जब ऑफिसर आपकी दुकान पर विजिट करे। ऐसा नहीं है कि जी हमने स्टार्टिंग में रेंट एग्रीमेंट बनाया था उसकी वैलिडिटी खत्म हो गई, वैलिड डॉक्यूमेंट्स वो कंसिडर यहाँ पर नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा डॉक्यूमेंट्स का रिन्यूअल भी जरूरी है। नेक्स्ट नंबर पे आता है एग्जैक्ट ट्रेड नेम। यहाँ पर मैं आपको पहले पॉइंट पे भी अपडेट करूंगा, दूसरे पे भी। इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो भी रिसेंटली अपलोड की थी कि जीएसटी में आप एड्रेस कैसे अपडेट करें। इसमें किसी भी प्रोफेशनल की हेल्प की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप खुद से इसको ऑनलाइन कर सकते हैं। मैंने अपने चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर आप सर्च करेंगे शिवनी जानकर चैनल मिलेगा, यहाँ पर मैंने एक रिसेंटली वीडियो अपलोड की थी कि हाउ टू चेंज बिजनेस एड्रेस इन जीएसटी रजिस्ट्रेशन। खुद से अपडेट करिए, 3 से 4 दिन में अपडेट हो जाता है, 1 वीक तो मैक्सिमम टाइम है। अगर कोई क्वेरी आती है उसको रिजोल्व करवा दीजिएगा, कोई दिक्कत होती ही नहीं है इसमें। हालांकि नेक्स्ट में आता है ट्रेडिंग नेम का ऑप्शन, कि ट्रेडिंग नेम जो है आपने डिस्प्ले बोर्ड पर लिखा हुआ है कुछ और आपके जीएसटी सर्टिफिकेट में कुछ और है, तो एक बार जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चेक कर लीजिएगा ऑनलाइन डाउनलोड करके, एग्जैक्ट वही ट्रेड नेम होना जरूरी है। अभी रिसेंटली इसके रिगार्डिंग भी मैंने एक वीडियो अपलोड की थी कि जीएसटी में आप अपने ट्रेड नेम को मल्टीपल टाइम्स कितनी बार भी चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई क्वेरी भी नहीं पूछी जाती, क्योंकि आपकी खुद की ओनरशिप है, आप चाहे कोई भी ट्रेड नेम रखे, बिजनेस के लिए कोई भी इसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं है। नेक्स्ट में आता है कि जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, देखिए मैंने वीडियो में क्या बताया था, सेल एंड परचेज के इनवॉइस होने चाहिए आपके पास। अब ध्यान रखें कि सेल परचेज के इनवॉइस के साथ साथ आपके पास जो है जीएसटी से रिलेटेड जो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट आती है, अगर मैं नॉर्मल रजिस्ट्रेशन की बात करूं तो जो ऑफिसर है वो एज ऑन डेट आपसे सब चीजें कंफर्म कर सकते हैं। क्या चीजें कंफर्म कर सकते हैं कि एज ऑन डेट आपका स्टॉक क्या है। जब आपके पास बुक्स नहीं होंगी, आप किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू मेंटेन ना करें तो भी मैन्युअली आपके पास स्टॉक की फिगर होना जरूरी है। जो सेल है परचेज है वो तो ठीक है, उसके साथ साथ डेबिट नोट, क्रेडिट नोट्स, अदर वाउचर्स, तो जो आपके एक्सपेंस के वाउचर्स हैं, ऐसा तो हो सकता है ना कि एक्सपेंस के वाउचर्स पर, सर्विस के वाउचर्स पर, या फिर कैपिटल गुड्स के वाउचर पर भी आपने क्रेडिट लिया हुआ हो, तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि केवल सेल परचेज के बिल रख लीजिए। आपको फाइल बनानी है सेल परचेज से अलावा भी, जो कैपिटल गुड्स की है या फिर उसके अलावा अदर सर्विसेज की है, वाउचर्स की है, तो एक बार आप अपना पीएनएल बना लीजिएगा करंट ईयर का, प्रीवियस ईयर वाले को छोड़ दीजिए, अभी जो करंट ईयर गया हुआ है उसके लिए आप एक बार बना लीजिएगा 22-23 के लिए, कि आपके कौन कौन से ऐसे एक्सपेंसेस है जो कि रिपीट होते हैं, तो रिपीट नेचर वाले आप अलग से बना के रख लीजिए, फाइल में जो है पेपर होने जरूरी है।
अगर फाइल में पेपर नहीं है तो वो कंसीडर, जब बिजनेस को कंसीडर किया जाएगा कि आपने कितना इनपुट क्लेम किया है, कितना आउटपुट दिखाया है, तो वो चीजें आपकी मिसमैच ना रहे, वो ध्यान रखना है। अगला पॉइंट आता है, जितने भी पार्टनर्स प्रोप्राइटर हैं उन सबके केवाईसी यहाँ पर होना जरूरी है। आप मैंने जब वीडियो अपलोड की थी, मैंने इंस्टाग्राम पर रील्स भी अपलोड की थी, वहां पर भी आया था कि सर केवाईसी किसके, तो केवाईसी जो है वो आपको जितने भी पार्टनर्स हैं, प्रोप्राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, ऑथराइज्ड पर्सन है, सबके आपको केवाईसी रखने ही रखने हैं। अगर केवाईसी नहीं मिलते हैं तो ये माना जाएगा कि वो पर्सन किसी दूसरे के बिहाफ पर बिजनेस कर रहा है। अब बिजनेस कर रहा है कोई बात नहीं है, उसके पास ऑथराइजेशन लेटर होना जरूरी है, वरना बिजनेस को तुरंत के तुरंत जो है वो माना जाएगा कि फेक रजिस्ट्रेशन है, और कैंसिल तो होगा ही होगा। उसके साथ तीन पॉइंट और भी बताऊंगा, वो भी मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, वो भी ऑफिसर के पास पावर्स है, वो भी कर सकते हैं, ठीक है, वो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन ऑफिसर चाहे तो वो तीनों पॉइंट्स भी लगा सकता है। अब यहाँ पर आता है, टैक्स पेयर शुड कलेक्ट एनओसी। तो यहाँ पर जहां पर रेंट एग्रीमेंट नहीं है, सपोज कीजिए आपके खुद के रिलेटिव का आप एड्रेस यूज कर रहे हैं, तो उस केस में एनओसी, उसके साथ साथ ओनरशिप प्रूफ, एनओसी भी कह सकते हैं इसको, आप कंसेंट लेटर भी कह सकते हैं, कि वो होना आपके पास जरूरी है। और कंसेंट लेटर या एनओसी वो जिस दिन आपने रजिस्ट्रेशन लिया था वो वाला भी चल जाएगा, ऐसा कोई नहीं है इसका रिन्यूअल की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट अगर ऑफिसर डिमांड करता है कि सर मुझे करंट में वेरीफाई करा दीजिए, क्या वेरीफाई करा दीजिए, जो प्रॉपर्टी के ओनर है उनके पैन कार्ड आधार कार्ड भी वेरीफाई करा दीजिए कि उनकी अपनी कंसेंट से ही आप उनके एड्रेस को यूज कर रहे हैं, तो इसीलिए आपको ये डॉक्यूमेंट भी मेंटेन करना है। देखिए ऐसा कहना गलत है कि तीन डॉक्यूमेंट रख लीजिए, चार डॉक्यूमेंट रख लीजिए, मैं आपको जीएसटी एक्ट के अकॉर्डिंग जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो बता रहा हूँ। जितने ज्यादा पेपर आपके पास रहेंगे उतना ही आपको वेरिफिकेशन कराने में आसानी होगी, और कोई भी ऑफिसर किसी भी टाइप की आपसे डिमांड नहीं करेगा जब आपके पूरे पेपर कंप्लीट होंगे। अगर कोई भी किसी भी टाइप की जीएसटी एक्ट के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पर मिस्टेक करी है तो उस केस में क्या होगा, पेनल्टीज लगेगी, जीएसटी के प्रोविजंस लगेंगे। पर कोई भी आपको ना तो ऐसा कोई काम करना है, और अगर कोई भी किसी भी तरह की मतलब कोई भी डिमांड करता है, या आप उसके एक बार सबसे पहले आईडीज वेरीफाई करिएगा, क्योंकि आप अपनी कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स किसी को दिखा रहे हैं तो ये चीजें कंफर्म करने की जिम्मेदारी आपकी है, तो वो चीज पहले वेरीफाई कर लीजिए, फिर उसके बाद किसी भी तरह की कोई अमाउंट देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी होगा वो जीएसटी एक्ट के अकॉर्डिंग ही होगा। और ठीक है, नॉन कंप्लायंस है तो आप जो भी कंप्लायंस है अगर हो सके तो हैंड टू हैंड कंप्लीट कर दीजिएगा, बट नहीं हो पा रहा है तो आप एक टाइम लिमिट भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम से आया कोई पेनल्टी लगा देगा आपके ऊपर, क्योंकि उनको भी यहाँ पर लिखित में जो भी करना होता है हर चीज राइटिंग में होती है। और मैंने पहले भी बताया था कि जब भी सर्वे होगा या वेरिफिकेशन होगा तो उसकी रिपोर्ट लेना मत भूलिएगा, अदरवाइज आप मना कर सकते हैं कि हम वेरिफिकेशन नहीं करा रहे हैं। कोई भी ऑफिसर कोई भी चीज वेरीफाई कर रहा है तो आपको भी उसके डॉक्यूमेंट अपने पास लेने हैं, फाइल में लगाने हैं। ऐसे तो बार बार मल्टीपल टाइम्स भी आपके पास ऑफिसर्स आ सकते हैं, उस चीज का ध्यान रखना है कि एक ऑफिसर आया है वेरीफाई करके जा रहा है तो उसके आपके पास एक डॉक्यूमेंट्स तो होना चाहिए ना वैलिड, कि हाँ जी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है। उसके बेस पर कोई सेकंड पर्सन आ जाता है, सपोज कीजिए उसी वार्ड से अलग दूसरे ऑफिसर्स आ जाते हैं, तो आप उनको कह सकते हैं कि हमारा ऑलरेडी वेरिफिकेशन हो चुका है। अगला पॉइंट आता है, टैक्स पेयर शुड, ये एनओसी वाला मैंने क्लियर कर दिया, डेबिट नोट्स, क्रेडिट नोट्स, वाउचर्स, ये भी होने जरूरी है आईटी से रिलेटेड। फिर आता है जीएसटी के कंप्लायंस की चीज, कि जितने भी आपने सर्विसेज या गुड्स लिए हैं सप्लायर्स के, उनकी भी एक बार चेक करने की आपकी रिक्वायरमेंट है कि वो 2A में रिफ्लेक्ट हो रहा है, 2B में कंप्लायंस हो रहा है नहीं हो रहा, और अपनी जीएसटी R1/3 भी फाइलिंग भी आपको करके रखनी है। एनुअल रिटर्न की तो कैसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि वो लेट फीस के साथ आप भर सकते हैं, बट एज ऑन डेट का मतलब है कि हो सकता है चलो प्रीवियस एक दो महीने की आप रिटर्न फाइल ना कर पाए हो किसी भी प्रॉब्लम की वजह से, बट ऐसा ना हो कि आप जीएसटी रेशन आपका चल रहा है, आपने रिटर्न नहीं फाइल किया है, तो उसके इसमें जो है पेनल्टी लगाने के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। सबसे लास्ट में जो पॉइंट आ रहा है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी वजह से सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है। जितने भी अब तक वेरिफिकेशन हुए जो मेरे पास न्यूज आई है उसमें क्या दिक्कत हो रही है, कि एक ऑफिसर आए हैं वेरीफाई करने के लिए बिजनेस प्रीमाइसिस को, वो घर का एड्रेस है या बाहर का एड्रेस है, मतलब किसी भी तरह का ऑफिस का एड्रेस है, दुकान का एड्रेस है, उस पर ऑफिसर्स वेरीफाई करने आए। अब जब वेरिफिकेशन हुआ तो उस टाइम पर जो वो पर्सन था, मतलब जिसके नाम पर वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, तो वो पर्सन वहां पर अवेलेबल नहीं था। तो जेन्युइन केस हो सकता है कि अभी आप कहीं पर गए हुए हैं, किसी मीटिंग में गए हुए हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो भी पर्सन आपके बिहाफ पर उस दुकान पर या एड्रेस पर रहता हो उसके नाम पर एक ऑथराइजेशन लेटर जरूर बना के रखिएगा कि जी यहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए कोई आएगा तो वो दिखा दे। कहीं ऐसा ना हो कि वो यहाँ पर वेरिफिकेशन में लिख के ले जाएंगे बिजनेस एड्रेस एग्जिस्ट
बट मेन जो पर्सन था, ऑथराइज पर्सन, ओनर, पार्टनर या जो भी था, वो वहां पर नहीं था, तो वो फेक रजिस्ट्रेशन कंसिडर कर लिया जाएगा, फिर नोटिस आएंगे, जीएसटी तुरंत क्या करूँ सस्पेंड कर देगा। तो ध्यान रखना है सारे पॉइंट जो है, इस वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा, वीडियो थोड़ा हो सकता है ड्यूरेशन में ज्यादा हो, पर पूरा एंड तक देखिएगा और पूरा ही शेयर कीजिएगा। अब आता है क्या क्या पावर्स है। तो पहली बात तो सेक्शन 125 में पावर है, पेनल्टी लगा सकता है, जनरल पेनल्टी जो है 50,000 रुपए की पेनल्टी है, बस इससे ज्यादा तो इसमें कोई पेनल्टी नहीं है। बाकी अदर एक्ट में, इस एक्ट के अंडर में जो अदर प्रोविजन या रूल है उसमें पेनल्टी लगेगी, है जीएसटी R13B कंप्लाई नहीं किया आपने उसकी लेट फीस लगा देगा, या फिर जो बिजनेस एड्रेस एग्जिस्ट नहीं करता तो उसके केस में क्या होगा, तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन है उसको सस्पेंड कर देगा, ऐसा नहीं है एकदम से कैंसिल कर देगा। किसी भी फेक न्यूज पर ध्यान ना दे, वो पहले सस्पेंड होगा, प्रॉपर आपको रीजनिंग देनी पड़ेगी, आप उसका जवाब सबमिट करेंगे, ऑफिसर सेटिस्फाई होगा तो जीएसटी कैंसिल नहीं होगा, केवल इनिशिएट करेगा प्रोसीजर का। जो आपका आईटीसी है वो भी ब्लॉक हो सकता है, एक बार आईटीसी ब्लॉक हो जाता है तो उसे अनब्लॉक कराने में काफी प्रॉब्लम्स आती हैं। ध्यान रखिएगा जिससे भी आप परचेज कर रहे हैं उस पार्टी का भी आप एक बार 2A वेरीफाई कर लीजिएगा, 2A में वो अपनी रिटर्न फाइल कर रहा है नहीं कर रहा है, जीएसटी R13B वो पोर्टल पर दिखती है, ठीक है। तुरंत आईटीसी की रिकवरी भी हो सकती है, जितने भी फेक इनवॉइस आपके आइडेंटिफाई होंगे तुरंत के तुरंत आपको डिमांड लेटर दिया जाएगा विद पेनल्टी इंटरेस्ट। ये 3 पॉइंट्स हैं, इनका भी आपको ध्यान रखना है, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। इसी टाइप के काफी सारे वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं, आप वीडियो देखते रहिएगा। मैं इससे रिलेटेड जीएसटी स्पेशल ड्राइव से रिलेटेड काफी सारे वीडियो अभी अपलोड करने वाला हूँ, ये वीडियो देखने के